हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा, और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और झटपट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। और ये जो रेसिपी है वो टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया गया है और बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया गया है। आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2/3 कप मैंने पोहा लिया है, जिसे हम लोग चूरा भी बोलते हैं इसे बहुत सी जगह पे, ले लेंगे। अब इसे हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें का जो भी गंदगी है वो निकल जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि जो पोहा है वो अच्छे से डूब जाए इसमें पानी में। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब मैंने एक और बर्तन ले लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 कप मैंने बिल्कुल बारीक वाला रवा लिया है। रवा डाल देंगे 1 कप, 1 कप रवा लिया है मैंने। और 1/2 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, दही भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा बैटर रेडी करेंगे। जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो रवा है वो अच्छे से फूल जाए। अब ये पोहा लेंगे हम, जो हमने भिगो के रखा है। और ये देखिए, पोहा अच्छे से फूल गया है। इसका जो पानी है वो अलग कर लेंगे, छान लेंगे पानी को। ये देखिए, मैंने पोहे को बिल्कुल पानी जो है इसमें का निकाल लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक मैशर लूँगी, इसको अब अच्छे से हमें मैश करना है। आप इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि जो पोहा है बहुत अच्छे तरीके से फूल गया है। पर मैशर से क्या होगा कि बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी ये मैश हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से पोहे को। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे कि हमने जो रवा का जो बैटर बना के रखा है उसको उसमें डाल देंगे। रवे के बैटर में डाल करके इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, मैं इसमें पानी वगैरह नहीं डाल रही हूँ। अब डाल करके इसको ऐसे ही रख देंगे 5 मिनट के लिए। और मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं। मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च ली है मैंने, 1 गाजर लिया है और पत्ता गोभी लिया है। दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 प्याज लिया है जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब सभी सब्जियों को पोहे और रवे के बैटर में डाल देंगे इस तरीके से। आप इसमें मटर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जियाँ इसमें डालनी हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें जीरा। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग बस, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, मसाले वगैरह इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और हमें इसमें पानी नहीं डालना है, हमें इसका बिल्कुल एक गाढ़ा बैटर बनाना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है, पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पैनकेक बनाएंगे। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, आप चाहो तो इसके बड़े बड़े भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार में 3 बनाऊंगी, आप चाहो तो एक बार में 1 बना सकते हो, या फिर आप 2 बना सकते हो। तो मैं इसको छोटे छोटे ही बनाऊंगी, ताकि जल्दी से ये बन जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए अंदर तक। देखिए, इस तरीके से बना लेंगे छोटे छोटे।
तीसरा वाला भी मैं बना लूंगी इसी तरीके से। अब इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और देखिए जो पैनकेक है वो नीचे की साइड से हल्का हल्का हो गया है, तो इसको अब हम पलट लेंगे। पलट की दूसरी साइड से भी हमें इसको पकाना है। और इस पैनकेक को पकाने में टोटल 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना होता है। ये देखिए इसी तरीके से पलट लेंगे और देखिए नीचे से बहुत अच्छा कलर आया है इसका। ढक देंगे। बीच बीच में हम इसको ऐसे ही अलटते पलटते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से इसको अलट पलट के हमें पकाना होता है। अब स्पैचुला लेंगे, स्पैचुला से इसको दोनों साइड अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो जाए। और इसको बनाना गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है और टेस्टी तो है ही, साथ में ये हेल्दी भी बहुत है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं और इसको बनाने में ऑयल का यूज़ भी बहुत ही कम किया गया है। और ये देखिए ये जो पैनकेक है दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक हो गया है, दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है ये। और इस तरीके से पैनकेक बनाने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए पैनकेक हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए तो सभी पैनकेक को मैं निकाल लूंगी और इसी तरीके से जो बचा हुआ है उसे भी हम बना लेंगे। ऑयल डालेंगे इसमें 1 से 2 टेबल स्पून, फैला लेंगे। अब इस तरीके से हाथों से हम इसको छोटा छोटा पैनकेक बना लेंगे। मैं 3 बना रही हूँ, आप इसे चाहे तो 1 भी बना सकते हैं या 2 बना सकते हैं एक बार में, या फिर इसे बड़े साइज का भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको इतना बड़ा रखना चाहते हैं। ये देखिए मैंने सभी पैनकेक को बना लिया है, तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। और ये देखिए ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ही उतना ही ज़्यादा यम्मी है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।